मोनू मानेसर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आज इनके मेवात आने की बात हो रही थी, इन्होंने एक वीडियो डाल के कहा था कि मेवात में रैली में शामिल होंगे, तो इनका विरोध किया जा रहा था मेवात के लोगों के द्वारा। और जो राजस्थान पुलिस है और उसकी तरफ से भी बताया जाता है कि राजस्थान पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए मेवात रवाना हो चुके हैं। लेकिन इनके समर्थन में अब विश्व हिंदू परिषद जो एक संगठन है वो आ गया है। उन्होंने कहा अगर ये शामिल होना चाहते तो कौन इनको रोक सकता है। तो बताओ इस पूरी खबर के बारे में। मोनू मानेसर इस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब से पहले हेलो जब जुनैद नासिर की हत्या का उन पर आरोप लगा था, तो जी। आज 31 जुलाई है और मोनू मानेसर ने हाल ही में वीडियो डाला था कि मेवात में जो एक यात्रा ब्रज मंडल यात्रा गुजरेगी उसमें वो भी शामिल होंगे अपनी टीम के साथ। तो इसका अच्छा। लगातार विरोध कर रहे थे जो मेवात के लोग हैं। तो अब इस पर विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, उनका बयान अच्छा। सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोनू मानेसर इस धार्मिक यात्रा में शामिल होना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है, उनके ऊपर कौन सा ऐसा केस चल रहा है जो वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। इस नहीं पर देखो, रोकने तो अगर प्रशासन चाहेगा तो वो ही रोक सकता है, आम इंसान तो खैर नहीं रोक सकते। क्योंकि इस इन पर जिन पर आरोप लगा है, सारी बात तो ये है ना, इन पर आरोप लगा हुआ है उसमें क्लीन चिट थोड़ी मिली इनको। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने तो ये कहा है कि ना उनको प्रशासन रोक सकता है ना जनता। और आगे उन्होंने अच्छा। कहा है कि मेवात में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है और अब जो संपूर्ण हिंदू हैं वो एक हो चुके हैं और जो मोनू मानेसर है उनके शामिल होने की जो खबर है नहीं वो आ उनके रही है। अच्छा। अच्छा, उनके जो शामिल होने की खबर ये बताई जाती है कि वो शामिल होंगे। फिर ये 1 बजे से यात्रा शुरू होनी थी, बताया जा रहा था कि 1 बजे से यात्रा शुरू होगी नुहू से। तो उनके शामिल होने की कोई खबर है या नहीं? यात्रा तो शुरू हो गई अभी होगी। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो शामिल हुए हैं या नहीं, क्योंकि जो अच्छा। यात्रा है वो तो 1 बजे से ही शुरू हो चुकी है और इसको अच्छा, लेकर नुहू जैसा नुहू कि से खबर, फिरोजपुर तक जाने वाली थी। जी ये भी खबर आई थी कि जो भरतपुर पुलिस है वो नुह हाँ पहुंच चुकी है क्योंकि हाँ वो इसकी गिरफ्तारी के लिए वो लगातार इसकी तलाश कर रही थी। क्योंकि राजस्थान पुलिस तो इनकी गिरफ्तारी के फिराक में तो है, उनके मुताबिक फरार है। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि अगर मोनू मानेसर यात्रा में शामिल होते हैं या हो गए हैं तो जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बन सकते हैं, क्योंकि पहले से ही जो मेवात के लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि बिल्कुल जिनको बिल्कुल। पुलिस के यानी गिरफ्तार जिनको होना चाहिए था जेल की सलाखों के पीछे, वो खुलेआम वीडियो बनाकर मेवात आने की एक तरह से यानी धमकी दे रहा है और उनको ये चेतावनी दे रहा राजस्थान पुलिस को भी कि अगर उनको गिरफ्तार करना है तो उनको गिरफ्तार कर ले। नहीं, अब से पहले भी ये तो चेतावनी दी गई थी जो गुड़गांव मानेसर में महापंचायत हुई थी कि अगर राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उनकी वो अपने पैरों पर सही सलामत नहीं।